शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पिताजी आप तो हमें पहचानते हैं, कहिए ना इन सबसे कि हम गहना है, हम आपकी गहना है। ये लोग मुझे मेरे ही खून के इल्जाम में जेल भिजवा रहे हैं। इन सबके साथ तो हमारा रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन आपसे हमारा रिश्ता तो खून का है ना, और खून के रिश्ते अपने खून को पहचानने में कभी गलती नहीं करते। पिताजी कहिए ना इन सबसे कि हम आपकी गहना है। हाथ छोड़ो इनका, मेरी बहन का खून करके मेरे पापा से रिश्ता जोड़ रही हो तुम। ये हमारे भी पिताजी है, इस घर में तुम्हारा कोई नहीं है, और आप लोग प्लीज इसे ले जाइए प्लीज। गहना कहीं नहीं जाएगी। ये गहना ही ना, इसका नाम गायत्री है और ना ही ये गहना की आम शक्ल है। ये गहना है हमारी बेटी। कौन है ये? अरे क्या बोल रही है, ये गहना है हमारी बेटी, क्या बड़बड़ कर रही है? माँ अब ये क्या कर रही है, रोक क्यों रही है पुलिस को? ले जाने दो इस हत्यारन को। हमने आपसे कहा ना ये गहना है, हम इसकी माँ हैं। एक माँ तो झूठी गवाही नहीं दे सकती ना। छोड़ दीजिए इसे। छोड़ना मत इसको, इसी ने गहना का खून किया है, मैं बता रही हूँ ना। देखिए सबसे पहले आप लोग अपनी फैमिली मसले को सॉल्व कीजिए। ये कहती कि ये इनकी बेटी है, इसलिए हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। चलिए। माँ ये आपने क्या किया, मेरी माँ होकर इसका साथ दिया? ठीक है, इस घर में कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरा पति मेरा पूरा साथ देगा। और अगर मेरा गौरव मेरे साथ है ना, तो फिर मुझे और किसी की जरूरत नहीं। चलो गौरव। बेटा जरूरी नहीं कि हर खून का रिश्ता अपना हो। तुमने तो उर्वशी को देखा ही है, इंसान जब रिश्ते बनाता है ना तो वो कभी ना कभी टूट जाता है, लेकिन जब हादसों की वजह से रिश्ते बनते हैं तो वो कभी नहीं टूटते। हमारा और तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, पर दर्द का रिश्ता जरूर है। तुम पर जो बीत रही है ना बेटा, ये हम समझ सकते हैं। ना रो मत, तुम ठीक रहोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गहना मत रो बेटा। हमें हमारी चिंता नहीं, हमें बस बॉयफ्रेंड की चिंता हो रही है। आपने देखा, पता नहीं उर्वशी ने उसके साथ क्या कर दिया। हमने सब कुछ देखा और सब कुछ सुन लिया। हमारे कहने के बावजूद गौरव हमें पहचान ही नहीं रहा है, हमारी बात तक नहीं सुन रहा है। मैं जेल भेजने जा, पता नहीं क्या हो गया है हमारे गौरव को। आपके साथ भी उसने कैसे बदतमीजी से बात की। हमारा गौरव ऐसा नहीं था माँ, पता नहीं उर्वशी ने क्या कर दिया उसके साथ। हमें शक तो था कि उर्वशी कुछ ना कुछ कर रही है, जादू टोना, लेकिन हमने आंखों से नहीं देखा था ना बेटा,
तो हमें यकीन नहीं हो रहा था, पर जब तुम्हारे पापा ने हमें बताया कि उर्वशी उनकी जान की बलि देने की कोशिश कर रही थी और तुमने फिर से आके उन्हें बचा लिया, तभी हमें यकीन हुआ। बेटा, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब उसके सुहाग पे बात आए ना, वो चुप नहीं रह सकती। बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा सलूक किया और तुमने हमारी सुहाग को बचा लिया। जब तुम अपने सुहाग को बचा रही थी तब हम तुम्हारे साथ नहीं थे बेटा, हमें माफ कर देना। शायद ये हमारे कर्मों का फल है जो हमारी बेटी हमारी दुश्मन बन गई है, और जिसे हम अपना दुश्मन समझ रहे थे वो हमारी बेटी से बहुत ज्यादा बड़ी निकली, सगी बेटी जैसी। लेकिन गौरव बेटा, वो खुद अपने नियंत्रण में नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, हम हैं, तुम्हारे पापा हैं, हम दोनों उसे सही रास्ते पर लेके आएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करोगे ना। रोना तो मुझे चाहिए, देखो ना तुम्हारी माँ को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन मेरा गौरव मुक्त नहीं हो पाया उर्वशी से। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दे। गहना, माँ, माँ, आज इस लड़की की वजह से मैं उर्वशी के कैद से आजाद हूँ। तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम सोच रही होगी कि मेरे कंकाल को जलाने के बाद, उर्वशी की अंगूठी को भस्म करने के बाद भी, गौरव का वशीकरण तोड़ने के बाद भी, आज भी उर्वशी के कैद में है गौरव। और इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए तुम्हें अपने घर में ही तलाशी करनी होगी। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं आपकी बेटी का सिर्फ ख्याल ही नहीं, बल्कि जब भी उसे हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर कदम पर उसके साथ खड़े रहेंगे। आप चिंता मत कर, मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी एक पवित्र आत्मा है, इसलिए भगवान तुम्हारे हर एक काम में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चलती हूँ। मेरी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद। यहाँ इस बच्चे की माँ इससे दूर हो गई और हमारी माँ जैसी गुरु हमारी दुर्गा वो हमसे दूर हो गई। दुर्गा माँ, हम आपको क्या बताएं कि आपके बिना हम अकेले हो गए। हम बार बार वहां अस्पताल आकर आपको आपको परेशान नहीं करना चाहते। दुर्गा माँ, आप हमें बस वहीं से आशीर्वाद देते थे ताकि हमें
हमें उर्वशी के राज का पता चल सके कि आखिर ऐसा है क्या कि जिसकी वजह से गौरव हमें पराया कर रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति है उर्वशी के पास कि वो अभी भी गौरव को अपने वश में कर रखा है। शकर नवाज, तुम कितना भी चाहो ना, तुम यहां से नहीं भाग सकते। छोड़ दो हमें, जाने दो हमें। सीरियसली गौरव, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी? और अगर जाने देना ही था तो उस गहना के साथ जाने देती ना तुम्हें। देखो गौरव, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, लेकिन अपने आप से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करती हूं। एंड ऑनेस्टली तुम्हारे चक्कर में ना मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वो तुम्हारी गहना, वो तो मुझे हराने पर तुली हुई है यार। और इसीलिए शाम को घर पे मैंने हम दोनों की शादी की सालगिरह की पार्टी रखी हुई है, और उस पार्टी में तुम गहना को धक्के मार के इस घर के बाहर फेंकोगे। उसके साथ इतना गंदा बर्ताव करोगे कि वो खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो गलत सोचती हो गहना के बारे में। जब उसे पता चलेगा ना हमारे बारे में, वो हमें ढूंढती हुई यहां तक चली आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जहां पर गहना की सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है गौरव। मैं पहले से ही जानती थी कि गहना तुम पर से मेरा वशीकरण निकालने की कोशिश करेगी, इसीलिए ये मेरा बैकअप प्लान। मुझे पता था कि वो गहना मेरा वशीकरण तोड़ देगी, जो आत्मा मेरी गुलाम है उसे मुक्त कर देगी, मेरी वो अंगूठी जला देगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पर मेरा कोई बस नहीं होगा गौरव, इसलिए मैंने तुम्हारे जैसे दिखने वाला, तुम्हारी जगह लाकर गहना का दिल और भरोसा दोनों तोड़ दिया। और तुम्हारा ये हमशक्ल गहना के साथ इतना बुरा बर्ताव करेगा ना कि तुमसे प्यार करने की जगह वो तुमसे नफरत करने लगेगी। कब किया तुमने ऐसा? अब यहां कैसे आए? जब तुम्हारी मेरी सुहाग रात होने वाले थे और तुम मेरी जगह गहना के बाहों में थे तब। We'll be right back.
गौरव, मुझे ना ये बात समझ ही नहीं आती कि इतनी खूबसूरत और दिमाग वाली बीवी तुम्हें कहाँ मिलेगी, बताओ ना। और तुम मुझे छोड़कर वो कवार गहना के पीछे पड़े हो। देखो, तुमने और मैंने शादी की है, और अगर तुम खुशी खुशी मेरे पास आ जाते तो ये सब करने की नौबत नहीं आती ना। अब तुम मेरे नहीं हो ना, तो फिर मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। और चलो मान लेते हैं कि एक बार मैं तुम्हारे बिना जी भी लूं, लेकिन गहना से हार करना जी नहीं पाऊंगी मैं। इसीलिए मुझे गहना से जीतना है हर कीमत पर। तो अब वो चाहे कोई जासूस बुला ले, कोई तांत्रिक बुला ले, कोई भी, लेकिन वो मेरे इस जादू का तोड़ नहीं निकाल पाएगी। चाहे कोई भी हो गौरव, मेरा ये बहरूपिया गौरव उसे मार डालेगा। और जानते हो क्या, रोज रात को 12 बजे इस बहरूपिया गौरव की काली पूजा होगी, जिससे इसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आज रात गहना को जाना ही होगा, और अगर वो नहीं गई तो ऐसी कोई रात नहीं होगी जब मेरा ये गौरव नंबर 2 उसे मारेगा नहीं। और गहना को ये लगेगा कि उसका पति उसको मार रहा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे उर्वशी, जान से मार देंगे तुम्हें। Come on, गौरव, तुम्हारी अपनी जान मेरे कब्जे में है और तुम मेरी जान लोगे। जान तो ये लेगा एक दिन, तुम्हारी गहना की। उर्वशी, दूर रखो इसे गहना से। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हम तुम ऐसा नहीं करने देंगे। चिल्लाओ ना गौरव, और चिल्लाओ। ऐसा कुछ भी नहीं करोगी उर्वशी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हमें जाने दो उर्वशी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो उर्वशी। कैसा लग रहा हो भैया? गरीब लग रहा है यार तू तो। अरे यार भैया, जब शक्ल गरीब वाली हो ना, कम से कम बातें तो अमीर वाली करो। आप बिना कोई बहुत अमीर नहीं लग रहे हो। अरे यार, अपने पे क्यों ले रहे? इतनी बुरी गरीबी छाई हुई है हम सब पे, सभी गरीब लग रहे हैं। बस तुम लोग ना इस अमीर और गरीब की लड़ाई में लड़ते रहो, और उर्वशी वो अपनी लड़ाई लड़के और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो गई है। गौरव को तो अपने बस में कर ही लिया है, और अब वो इस घर की बागडोर भी अपने हाथ में करना चाहती है। और एक बार इस घर की सत्ता उसके हाथ में आ गई ना, तो वो हमें गरीब से भिखारी बनाने में टाइम नहीं लगाएगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम फैमिली हैं, और वैसे भी हमने डिसाइड किया है ना कि हम उसकी गुड बुक्स में रहेंगे। हाँ भैया, भाभी, मैं ना उर्वशी दीदी को राखी का वास्ता देके पटा लूंगा। वैसे भी छोटे भाई पे ना तरस आ ही जाता है, और मैं इतना लाडला भी तो हूँ उनका। पापा जी पे तरस आया था तुम्हें? जब उसने पापा जी तक को नहीं छोड़ा तो तुम दोनों क्या चीज हो? अब ध्यान से सुनो, उसका अगला टारगेट होगा ये घर और बची हुई सारी प्रॉपर्टी, जिसके लिए वो कुछ ना कुछ दिमाग तो जरूर लगा रही होगी। हमें उन दोनों पे नजर रखनी होगी। लेकिन भाभी, नजर रख के क्या होगा? नजर रख के हमें ये पता चलेगा कि वो लोग करते क्या है।
आज रात पार्टी में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर पता चलेगी जिसे हम गौरव और उर्वशी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी शक्ति हम हासिल कर सकते हैं। भैया सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, पर ध्यान रहे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा आखिरी मौका है और अगर ये काम अच्छे से हो गया तो सत्ता उर्वशी के पास नहीं जानी चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए, समझे? और भैया अगर ये काम नहीं हो पाया तो? डरने से कुछ नहीं होगा, इस बार हमें इस बात पे फोकस करना है कि ये मौका हमारे लिए अमीर होने का आखिरी मौका है, तो इस बार जो डर गया वो मर गया। ये गलत बात है, आज मेरी शादी की सालगिरह है और आप लोगों के मुंह ऐसे लटके हुए हैं जैसे मेरे पति की बरसी हो। मतलब मैं जानती हूँ कि घर में अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना उससे आप लोगों का मूड खराब है, इसीलिए तो मैंने ये पार्टी रखी है ताकि सबका मूड अच्छा हो जाए, सब खुश हो जाएं। तो एक काम करते हैं, सब लोग आज खुल के खुशियां मनाते हैं, पार्टी करते हैं, मजा करते हैं यार घर में, ओके? I'm sorry, गौरव, बार बार ऐसे अकेले छोड़कर जाना पड़ता है, पर वो क्या है ना, उस बहरूपी गौरव को गहना को भी दिखाना ही है ना, उसे बीते जी अंदर से मारने के लिए। लेकिन तुम्हें नहीं मरना है, तुम्हें जिंदा रहना है गौरव, लेकिन कल तक, क्योंकि उसके बाद कल का चांद तुम्हारी जिंदगी का आखिरी चांद होगा। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।